नमस्कार दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आज फीनिक्स C6। मैं हूँ आदित्य EDC चैनल से। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कुछ नई नई टॉर्चें आपके सामने लेके आऊँ, तो पहली टॉर्च लेके आता हूँ। यह है फीनिक्स की तरफ से C6 टॉर्च। मैं पहले आपको खोल के दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या आता है साथ में, और फिर डिटेल में बात करते हैं टॉर्च के बारे में। तो पहले आता है वारंटी कार्ड और इसका मैनुअल। तो वारंटी कार्ड तो क्या आपको इनवॉइस आ जाएगा, मैनुअल ज़रूर पढ़िएगा, और साथ में आता है ये पाउच जिसके भीतर आता है आपको एक USB का टाइप सी केबल। ये हो गया फास्ट चार्जिंग, पहले आते थे माइक्रो USB, अभी आते हैं टाइप सी के। साथ में आता है लेनियार्ड और दो स्पेयर ओरिंग। अभी काफ़ी नई नई टॉर्चें आई हैं फीनिक्स की तरफ से। ये C6 से हम शुरू कर रहे हैं, आगे आगे और भी टॉर्चें दिखाऊंगा मैं आपको। तो C6 के अंदर जो पहला है ये पेन क्लिप के साथ आता है, और ये ल्यूमिनस SST LED जो 1500 लूमिन्स का लाइट है, ये बहुत ज़्यादा होता है। बोलने में आपको लगता है 1500 लूमिन्स नॉर्मल, बट बहुत ज़्यादा होता है। और 1500 लूमिन्स को अगर आपको आउटपुट देना है तो उसके लिए आपको बेहतरीन बैटरी भी चाहिए होती है, और इसीलिए फीनिक्स अपनी खुद की बैटरी देता है। 18650 बैटरी होती है जो 2600 mAh की लिथियम आयन बैटरी है। अब गौर कीजिएगा दोस्तों, ये वही बैटरी है जो आजकल के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के अंदर टेस्ला में हर जगह इधर उधर आती हैं। और इसको चार्ज करने के लिए टाइप सी का फास्ट चार्जिंग केबल और ये फास्ट चार्जिंग का पोर्ट आता है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। अब 2 घंटे में ये पूरी की पूरी चार्ज हो जाती है। अभी ये दिख रहा है आपको रेड लाइट, यानी अभी ये चार्ज हो रही है। जब ये ग्रीन लाइट आ जाए ऐसे, तो समझ जाइएगा कि अभी ये टॉर्च पूरी की पूरी चार्ज हो चुकी है और आपका एडवेंचर चालू कर सकते हैं आप भी। इसके अंदर ग्रीन लाइट और रेड लाइट के नोटिफिकेशंस हैं जिसे आप देख सकते हैं। अब फिर यहाँ से अगला आ जाता है अपना लूमिन्स आउटपुट्स। तो ये अपना है चार्ट 1500 लूमिन का, 400 लूमिन का, 100 लूमिन का, 30 लूमिन का, और इसमें है स्ट्रोब एंड SOS। आपको दिखाता हूँ मैं स्ट्रोब एंड SOS का फंक्शनैलिटी यहाँ पे। पहले आपको दिखाते हैं पूरे के पूरे आउटपुट मोड्स, ठीक है। तो चालू करते हैं पहले से जो है लो आउटपुट 30 लूमिन्स। आपको भाई साहब ये आता है 54 आवर्स ऑफ आउटपुट और 45 मीटर्स का डिस्टेंस। नेक्स्ट है 100 लूमिन्स, फिर 400 लूमिन, फिर 1500 लूमिन, यानी एकदम ब्लाइंडिंग लाइट। तो आपको दिखाता हूँ अभी मैं, ये 1500 लूमिन तो है, इसके साथ आता है मेमोरी फंक्शन। इसका मतलब हम जो लाइट पे हम लाइट को ऑफ करेंगे, जब हम चालू करेंगे लाइट को, वो उसी मोड पे चालू होगा, और जब चालू होगा तब आपको एक बैटरी इंडिकेशन भी देगा आपको साथ में, ग्रीन लाइट है या रेड लाइट है जैसे भी है। और ये है आपका स्ट्रोब मोड। ये आप सामने किसी को आँख पे मारेंगे तो वो कम से कम 1-2 मिनट तक तो कुछ नहीं देख पाएगा, बिलीव मी, वो एकदम अंधा सा हो जाएगा 2 मिनट के लिए। और साथ में आपके SOS मोड भी है और मल्टीपल मोड्स ऑफ द आउटपुट। ये हो गया आपका लॉकआउट मोड। कभी कभी गलती से हमारे जेब में बटन दब जाता है तो ऑन हो जाता है, और लाइट ऑन रहने की वजह से सारा का सारा बैटरी ड्रेन आउट हो जाता है। तो इस लॉकआउट की वजह से आप लाइट को जब चाहें तब लॉकआउट मोड में डाल सकते हैं, और 3 बार रैपिडली दबाने से वो लॉकआउट मोड के बाहर आ जाता है, एंड द सेम वे टू लॉकआउट। काफ़ी सारे लोग आपको बोलते हैं वाटरप्रूफिंग के बारे में, तो ये देखिए पूरा का पूरा टॉर्च पानी के भीतर। अब मैं तो आपको ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बट आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा वाटरप्रूफ है और एकदम परफेक्ट चल रहा है। और ये टेल स्टैंड भी होता है। काफ़ी बार ऐसे होता है आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, तो आप ये टेल स्टैंड कर सकते हैं बोनेट के ऊपर। इसका जैसे मैग्नेटिक टेल स्टैंड है, तो आप बोनेट को लगाने के टाइम पे इसको सामने चिपका भी सकते हैं मैग्नेट की तरह। ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि यार ये क्या है, बट आगे जाके हम देखते हैं यार ये तो बहुत काम की चीज़ें हैं ये तो। अब मैं आपको इसके फीचर्स दिखाता हूँ इंडिविजुअली। देखिए ये अभी 1500 लूमिन का जो लाइट है, 300 मीटर का आउटपुट है इसका, और काफ़ी सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, कार रिपेयर, नाइट पेट्रोल, या तो सर्किट मेंटेनेंस के अंदर, आपका नाइट पेट्रोल के अंदर। काफ़ी रगेड बॉडी है इसकी, जैसे मैंने बताया इसका क्वालिटी तो बहुत ही बेहतरीन है, तो आपको काफ़ी लंबे समय तक सर्व करेगी, क्योंकि IP68 है, वाटरप्रूफ भी है। काफ़ी आउटपुट मोड्स है इसके, SOS है, स्ट्रोब है मैंने जैसे बताया था आपको, बैटरी इंडिकेटर भी है इसके अंदर मल्टीपल, जैसे 30%, 60%, और इसकी बैटरी इंक्लूडेड आती है, USB केबल इंक्लूडेड आता है। तो ये पूरा का पूरा पैकेज जो है एक बहुत ही बढ़िया पैकेज है 4000 रुपये का। तो दोस्तों समराइज़ करने के लिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, अभी फीनिक्स एक लौता ब्रांड है इंडिया के अंदर जो बहुत ही बेहतरीन टॉर्चें बना रहा है। एक इकोनॉमिकल रेंज के अंदर भी वो ला रहा है टॉर्चें, ताकि सारे की सारी जनता यूज़ कर सके इसको।
तो C6 का रीज़न सिर्फ यही है कि ये इंडियन और एशियन मार्केट के लिए है और ये 4,000 रुपये में ये लोगों ने लॉन्च की है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा एक एमेच्योर यूट्यूबर की हैसियत से कि एक बार ट्राई करके देखिए, अगर आपको एक टॉर्च की ज़रूरत है तो आई फील पर्सनली कि फीनिक्स C6 आपकी ज़रूरत पूरी कर सकता है एक इकोनॉमिकल रेंज के अंदर। बस दोस्तों, अगर C6 के प्रति कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर प्लीज़ लिखिएगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको बेहतरीन जवाब दे पाऊँ। और बस धन्यवाद, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बताना, और दूसरा कौन सा मॉडल देखना है आपको फीनिक्स का बताना, ताकि मैं अगला वीडियो उस पर बनाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, हैव फन।